हेलो हेलो, ठीक है ठीक हेलो, है। बैठोगे बाइक पे? बाय इंग्लैंड। ओ वाओ, हिचहाइकिंग? बोध गया, यू नो बोध गया? ओ बट नॉट एक्सप्रेस, सो सॉरी, थैंक यू। ओ भाई साहब, होय 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 होय, उतर गए जी। ओके, सो देख सकते हो जी क्या नज़ारे हैं। होय होय, बिहार युवाओं से एक ही अपील है, राइडिंग पे आइए। सब जगह की गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए, एक बिहार इकलौता दिख रहे, एक बिहार का इकलौता दिख रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि अपने बिहार से राइडर्स नहीं आते हैं। कारण क्या है मेरे समझ में आज तक नहीं आया। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हंडर। सो दोस्तों, हम लोग कल आए थे खारदुंगला से डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री होते हुए, और हंडर में ही रुक गए थे। यहाँ से आगे तुरतुक जाने वाले थे बट नहीं जा पाए, क्योंकि तुरतुक करके आना था। तो सोचे कि रुक जाओ यार, ऐसे भी यहाँ नेटवर्क है तो अच्छा था। डेटा वोटा ट्रांसफ़र कर लिया, सारा गैजेट चार्ज कर लिया। तो फाइनली आज यहाँ से तुरतुक के लिए निकलने वाले। तुरतुक एक ऐसा विलेज है जो कि रात में सोया था वहाँ का गाँव वाला, तो पाकिस्तान में था और जागा तो भाई हिंदुस्तान में। उस गाँव को आज एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कौन समुदाय के लोग रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, क्या कुछ है, उसके बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारी दूंगा और वहाँ के लोगों से बात करूंगा। सो चलो ठीक है, मिलते हैं मोटो ब्लॉग मूड में। और वो क्या है, मूली? शलगम, मूली? ये शलगम है। अच्छा, और ये गाजर, ये तो गाजर से दिख रहा, और वो उजला उजला वाला मूली। हाँ जी। अच्छा, हेलो हेलो, ठीक है ठीक हेलो। है। हाँ क्या बिहार से? हाँ, बिहार के अच्छा जी। कोई आया है बिहार से? यहाँ हाँ जी, बिहार से आया है यहाँ आपके होटल में? हाँ आता है जी। आता है ना? हाँ, यूपी बिहार से। ओके चलो ठीक है जी, बाय। और बढ़िया। नहीं, तुरतुक या बैठोगे बाइक पे? बाय। वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। ओ वाओ, हिचहाइकिंग? तुरतुक? ओ, हिचहाइक लिफ्ट? यस। थैंक टू इंडिया। बिहार? बिहार बोध गया, गया गया बोध गया, बोध गया, लॉर्ड बुद्धा मेडिटेशन पैलेस, बोध गया, लॉर्ड बुद्धा, यू नो बोध गया? हियर वी गो विद बस एंड लिफ्ट। ओके, तुरतुक। ओके सेम, तुरतुक या आई एम गोइंग तुरतुक बट बाइक नॉट एक्सप्रेस, सो सॉरी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, आई कैन टेक यू टू तुरतुक। सो फाइनली दोस्तों, गोप्रो हैंग कर गया था यार। तो यार, ये गोप्रो का ना बहुत बड़ा बीमारी है यार। और सैम भाई सब निकल चुके हैं आगे, तो चलते हैं। हम भी निकल चुके हैं यार तुरतुक के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हम लोग का, 11 बज चुके हैं। तो चलो अब थोड़ा लंबा खींचते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है तुरतुक विलेज, और वहाँ पे बाल्टी समुदाय के लोग रहते थे जो कि पहले तिब्बत के थे। तो बहुत लंबा स्टोरी है, तो मैं ज़्यादा लंबा स्टोरी में जाऊँगा नहीं, मैं आपको पहुँच कर बताऊँगा। ये सब नुब्रा वैली में आते हैं जी, और बहुत ही हरा भरा है तुरतुक विलेज। मैं गया तो नहीं हूँ, पहले फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और वीडियो में देखा हूँ तो बहुत ही हरा भरा, बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पे। सो चलते हैं जी, सब कोई आगे निकल गए, कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे। और ये काराकोरम रेंज है भाई साहब, मैं आज गूगल में पढ़ रहा था तो ये काराकोरम रेंज है, देख रहे हो? काराकोरम बुक में पढ़ा करता था भाई साहब, अभी काराकोरम रेंज को देख रहा हूँ आँखों से। गोप्रो हैंग कर गया था, गोप्रो हैंग। हो भाई साहब, देखो बादल कैसे टकरा रहे हैं पहाड़ से। जब सरहदें बनती है दोस्तों, तो बहुत सारे जिंदगियां बर्बाद होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ,
इंडिया ने गलत किया, नहीं भाई जो हुआ सो सही हुआ, लेकिन भाई साहब जब आप अपने घर में खुद देख लो, जब बंटवारा होता है तो भाई साहब बहुत दिक्कत होता है, तो वैसे ही भाई जब सरहदें बनती है तो बहुत सारे जिंदगियां तबाह होती है। जैसा कि मैंने गूगल में पढ़ रहा था कि भाई साहब जो लोग पढ़ने गए थे लाहौर पाकिस्तान, और मतलब पाकिस्तान में ही पढ़ता था, तो जो लोग बाहर पढ़ने गए थे लाहौर ये सब बाहर, और जो लोग काम करने गए थे या फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ आए थे या कोई यहाँ से रिश्तेदार के यहाँ गए थे तुरटुक से, तो भाई साहब वो वहीं के रह गए, वो फिर दोबारा कहीं जा नहीं पाए। तो है भाई बहुत दिक्कत हुआ था बहुत सारे, लेकिन फिर भी भाई वो एरिया बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है, और वहाँ अब पर्यटन लोग जाने लगे हैं, तो अब तुरटुक का किस्मत चमक चुका है, तुरटुक बदल चुका है, विकास की ओर जा रहा है। जैसे देख सकते हो बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, और 2010 में आम पर्यटक के लिए भाई साहब खोल दिया गया तुरटुक। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं, और अभी 5 से 7 किलोमीटर भी नहीं गए हैं यार, और ये देखो मौसम कितने ख़राब हो गए। सो यार हमारे साथ मजाक हो रहा है यार, मौसम भी खिलवाड़ कर रहा है। सो अभी देखो जस्ट बारिश हो रहा था, जैसे ही हमने ऊपर वाला लाइनर डाला सोचा नीचे भी डाल लेता हूँ जी, और बारिश हो गई बंद। लग ही नहीं रहा कि बारिश हुआ। और लग भी नहीं रहा यार कि बारिश हुआ है, देखो ये रोड भी सूख गए जी। तो चलो कोई नहीं यार, लाइनर पहन लिया तो पहन लिया, अब नीचे का नहीं लाइनर डालता हूँ और चलते हैं, और गोप्रो भी खोल कर रख दिया था तो गोप्रो को भी माउंट कर लेता हूँ हेलमेट में। सो दोस्तों देख सकते हो आगे यार बारिश हो रही है, इधर धूप निकला हुआ है। सो यहाँ पे ऐसा ही मौसम है यार, कभी तूफान चलने लगेगा तो कभी बारिश होने लगेगा, कभी धूप निकल जाएगा, कभी स्नोफॉल गिरने लगेगा। भाई साहब देख सकते हो कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं यार ऊपर पत्थर। ओए भाई साहब एक पत्थर भी गलती से आकर गिर गया ना हम पे तो भाई साहब कचुमन निकल जाएगा मेरा। रास्ते तो बने हुए हैं यार, बट देखो आगे कैसा रास्ता है। तुरटुक सीधे, तुरटुक 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 सीधे, ये देख सकते हो श्योक रिवर। भाई साहब इधर तो पानी है बट गंदे पानी है, वो ग्लेशियर का आ रहा है ना, फिर भी बंकर बने हुए हैं यार आर्मी लोग का। जी हाँ ये बंकर है, ये देख सकते हो बंकर। भाई साहब अच्छा खासा तैयारी है पाकिस्तान का चीन का, तो देख सकते हो कितना खतरनाक है यार ये वाला पैच। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए, उतर गए जी, उतर गए फाइनली। ये देखो वुडन ब्रिज, ओहो सॉरी आयरन ब्रिज। ओके सो देख सकते हो जी क्या नज़ारे हैं। होए होए होय 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 होय, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा जी।
है वुडन ब्रिज, सो देख सकते हो। ओए होए भाई साहब, ओए होए 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 होए। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड चला गया जी सियोक रिवर। काफ़ी ज़ोरों से हवा चल रही है यार, बिल्कुल स्पीड स्लो हो गया। कहाँ चल रहे थे 50-60, कहाँ चलना पड़ा 40-30। और ये देख सकते हो हवा चलता है तो भाई साहब ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं यार, क्योंकि हवा से धूल हटता है तो पत्थर नीचे आते हैं। चलो कोई नहीं, राम रखा, हर हर महादेव। ओ भाई साहब देखो कैसे हिल रहा है। ओहो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुक में, और चलते हैं जी बस्ती में, घूमते हैं देखते हैं कैसा है तुरतुक। दोस्तों यहां पे एक सर जी मिले हैं, वो बिहार मुजफ्फरपुर से हैं। सर जी आपका नाम? गोपाल। गोपाल, और सर जी नंबर देख करके, जैसे ही देखा सर जी ने नंबर आया और बोला आप लोग अच्छा कर रहे हैं। सर जी दो शब्द बोलिए। बिहार युवाओं से एक ही अपील है, राइडिंग पे आइए, सब जगह की गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए एक बिहार इकलौता दिख रहे, एक बिहार का इकलौता दिख रहा है। गुजरात आप देख सकते हैं, गुजरात महाराष्ट्र की भी आपको बाइकें मिल सकती हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अपने बिहार से राइडर्स नहीं आते हैं। कारण क्या है मेरे समझ में आज तक नहीं आया। अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है बताइए। तो हम लोग भी सोचा था सर कि बुलेट लेंगे तो ये लेंगे, लेकिन जो गाड़ी घर पे था उस गाड़ी से हम निकले। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो भी गाड़ी हो 125 सीसी से ऊपर कोई भी बाइक लेकर आप निकलिए, कोई भी पास में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। महाराष्ट्र से तो 110 सीसी से आया, वही डबल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, 125 सीसी सेफ के लिए बोलते हैं ताकि आप थोड़ा लंबा चल सके। मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, चलिए मिलते हैं।